Hi guys, मैं हुस्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। आज ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर शुरू हो रहा है एक न्यू सेगमेंट जो कि होगा फूड रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में होगा क्या, हम करने वाले हैं चीप वर्सेस एक्सपेंसिव डिश के बीच कंपैरिजन। और इस सेगमेंट में सबसे पहले फीचर करने वाला डिश है वो जो कि 2018 की मोस्ट गूगल डिश थी और 2019 में इंडिया के एक फूड डिलीवरी ऐप की मोस्ट ऑर्डर्ड डिश। तो किस डिश की बात कर रहे हैं हम? अरे वीडियो का टाइटल देखो, चिकन बिरयानी। यस, चिकन बिरयानी मेरा फेवरेट, चिकन बिरयानी। तो इस चैलेंज के दो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहरूस की क्लासिक चिकन बिरयानी और एक लोकल रेस्टोरेंट की सिंपल चिकन बिरयानी। तो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी बिरयानी बाजी मारती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहरूस की बिरयानी की जो पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब जरा ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा पैकेजिंग है। इस पैकेट के अंदर वुडन स्पून और माउथ फ्रेशनर होगा। ये एक बहुत ही क्यूट सा एक गुलाब जामुन भेजा है इन्होंने, और ये रायता है, आई थिंक ये पुदीना रायता है। पैकेजिंग के मामले में तो बहरूस विंस। अब जरा देखते हैं बिरयानी कैसी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको दिखेंगे बहुत सारे बादाम और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आई कैन टेल यू कि घी की जो खुशबू आ रही है, असली घी की, इट्स माइंड ब्लोइंग। और वैसे तो ये काफ़ी ड्राई सा लग रहा है मुझे दिखने में। चलिए अभी इसे खाकर देखते हैं। मैंने इससे पहले कभी बहरूस की चिकन बिरयानी नहीं खाई है, मैंने मटन बिरयानी खाई थी, तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इट्स गुड, ये बहुत ही अच्छा है। आप खा रहे हो तो आपको रोस्टेड आलमंड्स मिल रहे हैं, हर एक दाने में ना आपको घी का टेस्ट आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ज़रा मैं चिकन खा के देखती हूँ। चिकन तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है। इट्स मेल्टिंग, लिटरली मेल्ट हो रहा हूँ मैं। सो गुड, इट्स रियली गुड। मुझे पता नहीं लोग बहरूस की बिरयानी के इतने बड़े फैन नहीं है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि काफ़ी हाइप है इसका, इट्स नॉट रियली वर्थ इट, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा मसालेदार नहीं है, मुझे ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है। बिल्कुल सही क्वांटिटी में इसमें स्पाइसेस हैं और सही तरह से इसे पकाया गया है। राइस के जो दाने हैं वो सारे खिले हुए हैं और पके हुए हैं। मुझे वैसे स्टिकी राइस पसंद नहीं है, जो वैसे चिपके हुए होते हैं, खिले खिले हों और पके हों, और ये परफेक्टली कुक्ड है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई वुड हाईली रिकमेंड इट। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ एक ऐसी चिकन बिरयानी जो कि मैंने लोकल रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था। तो अब देखते हैं कि ये लोकल चिकन बिरयानी बहरूस की बिरयानी को टक्कर दे सकती है या नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग बहरूस के मुकाबले काफी सिंपल है। इसे एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कंटेनर में हमें दिया गया और साथ ही एक प्लास्टिक की थैली में हमें प्याज और नींबू दिया गया है। अब जरा इसे ओपन करके देखते हैं। ये बिरयानी भी दिखने में काफी अच्छी लग रही है, तो मैं इसका टेस्ट देखती हूँ।
आप यकीन नहीं करेंगे कि उस बिरयानी में और इस बिरयानी में मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। टेस्ट में बिल्कुल सेम, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं पता चल रहा। दिखने में भी एक जैसा ही है, घी भी उतना ही यूज़ किया है, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहरूस की बिरयानी वापस खा रही हूँ। ज़रा अंदर जाके ज़रा ग्रेवी के साथ में ट्राई करते हैं। ओके, चिकन के पीस के साथ देखते हैं। एक चीज बोल सकती हूँ कि जो चिकन है ये उतना सॉफ्ट नहीं है जितना बहरूस की बिरयानी में सॉफ्ट था, बट टेस्ट वाइज बिल्कुल सेम है, मुझे कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा। और बहरूस की बिरयानी जो मैंने ली थी 400 रुपए की, ये मैंने 170 रुपीस में खरीदी, 170 रुपए की है। तो मैंने आज देखा कि बहरूस की एक्सपेंसिव चिकन बिरयानी और एक लोकल रेस्टोरेंट की सिंपल चिकन बिरयानी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों बिरयानी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी, तो इसे दो लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। क्वालिटी और पैकेजिंग के मामले में बहरूस की बिरयानी ने बाजी मार ली। आपने खुद ही देखा इनकी पैकेजिंग कितनी इम्प्रेसिव थी। मेरा आधा दिल तो उन्होंने इस पैकेजिंग से ही जीत लिया था। लेकिन पैकेजिंग ही सब कुछ थोड़ी होता है, असली बात आती है टेस्ट पर। और टेस्ट के मामले में ये दोनों बिरयानी थी एक नंबर, 10 में से एक नहीं, नंबर 1 बेस्ट। बस एक चीज से लोकल रेस्टोरेंट की बिरयानी मात खा गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिकन जो था उतना कुक्ड नहीं था जितना बहरूस की बिरयानी कुक थी, तो बस उस चीज से बहरूस की बिरयानी टेस्ट के मामले में विनर साबित हुई। और आखिर में बात आती है वैल्यू फॉर मनी की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहरूस की चिकन बिरयानी का कॉस्ट था लगभग 400 रुपए और लोकल रेस्टोरेंट की चिकन बिरयानी का प्राइस था 170 रुपए, यानी बहरूस की बिरयानी का लगभग आधा दाम। मुझे लगता है 400 रुपए चिकन बिरयानी के लिए स्पेंड करना ना काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको सेम टेस्ट सेम क्वांटिटी उसके आधे प्राइस में मिल रही है तो आप 400 रुपए उसकी पैकेजिंग के लिए तो खर्च नहीं करेंगे ना। वैसे आप कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी। वेल, ये था मेरा चीप वर्सेस एक्सपेंसिव फूड वीडियो। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि मेरे अगले वीडियो के लिए कौन से फूड आइटम का मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं। वैसे मेरे नेक्स्ट फूड वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मेरे उस वीडियो में फीचर करने वाला है एक ऐसा वेजिटेरियन डिश जो कि बड़े से बड़े नॉन वेजिटेरियन डिश को टक्कर दे सकता है। चलिए एक हिंट देती हूँ आपको, ये दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, देखते हैं आपका गेस सही साबित होता है नहीं। और तब तक के लिए बाय।